टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका और वेस्टइंडीज का दौरा करना है। इस टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान राहुल द्रविड़ टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में वहां मौजूद रहेंगे। वनडे वर्ल्ड कप 2023 के बाद उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। वनडे वर्ल्ड कप की ठीक बाद उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था और ऐसे में BCCI ने नए हेड कोच को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया है। राहुल द्रविड़ का टेन्योर T20 वर्ल्ड कप के बाद खत्म होगा। जाहिर सी बात है भारतीय टीम को नए कोच की जरूरत है, जिसके बाद मीडिया में कई नामों को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हुई। कई ऐसे विदेशी नाम भी बताए गए जिनसे ऐसा कहा गया कि BCCI बातचीत कर रही है। इसी बीच खबर आई है कि BCCI ने ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व खिलाड़ी से इस पद को लेकर संपर्क किया है। अब BCCI सचिव जय शाह ने इस मुद्दे को लेकर सभी दावों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड ने भारत के मुख्य कोच के पद संभालने के लिए किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क नहीं किया है। यह पद अगले महीने T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ के जाने के बाद से ही खाली हो जाएगा। यानी कि इतने दिनों से ये जो कयास लग रहे थे कि रिकी पोंटिंग या फिर जस्टिन लैंगर BCCI के संपर्क में है, ये सारे दावे झूठ निकले। BCCI ने ना सिर्फ ये साफ कर दिया कि कोई भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारतीय टीम का कोच नहीं बनेगा, बल्कि यह भी समझ में आ गया कि कोई भारतीय खिलाड़ी ही टीम इंडिया का कोच बन सकता है। टीम इंडिया के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ बोर्ड को बता चुके हैं उन्होंने तीसरे कार्यकाल में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया है। ऐसे में अगर राहुल द्रविड़ का एक्सटेंशन नहीं होता है कोच पद के लिए तो कौन होगा कोच, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ऐसे में इस पद पर कई नए चेहरे भी देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी जस्टिन लैंगर ने अपने एक बयान के दौरान कहा था कि वो भारतीय टीम का हेड कोच नहीं बनना चाहते हैं। वहीं रिकी पोंटिंग ने यहां तक कह दिया कि उन्हें BCCI द्वारा इस पद के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। जब जय शाह ने हालांकि इन सभी बातों को लेकर जब बयान दिया, तब जाके मामला साफ हुआ कि भाई BCCI ने किसी खिलाड़ी से कोई संपर्क तो साधा ही नहीं था, खासकर किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी से। जय शाह ने कहा कि ना तो मैंने और ना ही BCCI ने कोचिंग की पेशकश के साथ किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर से संपर्क किया है। इंडियन प्रीमियर लीग में रिकी पोंटिंग दिल्ली कैपिटल्स और जस्टिन लैंगर लखनऊ सुपर जायंट्स के मुख्य कोच की भूमिका निभाते हैं। शाह ने संकेत देते हुए कहा कि द्रविड़ की जगह कोई भारतीय हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी नेशनल टीम के लिए सही कोच ढूंढना एक सावधानी पूर्वक काम है। हम ऐसे व्यक्तियों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनके पास भारतीय क्रिकेट संरचना की गहरी समझ है। BCCI सचिव ने यह भी कहा कि भारतीय घरेलू क्रिकेट का ज्ञान होना एक बहुत बड़ी चीज है और किसी विदेशी कोच को शायद ये चीज समझ में ना आए। हालांकि उन्होंने बता दिया कि सबसे महत्वपूर्ण है वो मानदंड जो BCCI लगाती है कि आपको अगर भारतीय टीम का कोच बनना है तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी होगी। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को वास्तव में अगले स्तर तक ले जाने के लिए ये समझ होना महत्वपूर्ण है और यही हम एक कोच में खोज रहे हैं। वहीं अगर भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने की रेस में अगर इंडियन क्रिकेटर्स का नाम लिया जाए तो इसमें सबसे आगे गौतम गंभीर का नाम चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि गौतम गंभीर से BCCI ने खुद ही संपर्क किया था और वो कोच बनने के लिए आवेदन करें। हालांकि गौतम गंभीर ने इस बात पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। गंभीर ने भले ही स्पेशलिस्ट कोच के तौर पर काम नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने IPL टीमों के साथ बतौर मेंटोर जो काम किया है वो वाकई में नोटिस करने वाला है। इस बार उनकी मेंटरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स ने धमाकेदार प्रदर्शन करके IPL के फाइनल में जगह बनाई है। इससे पहले कोलकाता ने 2021 में फाइनल खेला था। वहीं गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स का मेंटोर बनने से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के भी मेंटोर रह चुके हैं और दोनों सीजन में उन्होंने टीम को प्लेऑफ में भी पहुंचाया था जब तक वो LSG में रहे। दोनों बार 2022 और 2023 में टीम ने प्लेऑफ का सफर पार किया है। यानी कि एक बात तो तय है कि गंभीर ने बतौर मेंटोर IPL में जिस भी टीम का साथ पकड़ा है उसने चमत्कारिक प्रदर्शन किया है। बहरहाल गौतम गंभीर क्या भारतीय टीम के कोच होने चाहिए या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी स्पोर्ट्स की दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स 9। मेरा नाम है आयुष मिश्रा। नमस्कार।